हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ही क्लिप से आप हमेशा के लिए मेहंदी कैसे सीख सकते हैं, तो आज मैं यही आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जो मेहंदी सीखना तो चाहते हैं पर वो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से लगाना है उनको वो मेथड उनको तरीका नहीं आता, और वो बार बार कीप को भरना और कीप की मेहंदी वेस्ट हो जाना और किसके हाथ में बार बार लगाई जाए, इन सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा मेथड यूज़ करूँगी जिससे सभी लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस तरह की जो फाइलें हैं वो मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं और सभी के घरों में इस तरीके की फाइलें अवेलेबल रहती हैं। तो देखिए, इसी शीट, इसमें जो ये शीट होती है, एक शीट, ये शीट मैंने ऐसी ले ली है, ये देखिए, और इस शीट के ऊपर मैंने इसको अपने हाथ को ड्रॉ कर लिया है। तो आप ऐसी ही शीट ले लें और इसके ऊपर अपने पहले हाथ को ड्रॉ कर लें इस तरीके की शीट लेके, और यदि आपके पास इस तरह की शीट ना हो तो आप कोई भी जो एक्सरे शीट होती है आप उसको वॉश कर लें। और देखिए, मैंने जो आपके सामने ये यूज़ करी हुई है ये एक्सरे शीट है, एक्सरे वाली जो शीट आती है उसको वॉश करने के बाद ये बिल्कुल वाइट हो जाती है और फिर आप इसके ऊपर मेहंदी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, और आप एक तरीक मेथड और भी है मेरे पास, देखिए, इस तरीके की जैसे लेग डिज़ाइन आप बनाना चाहें तो आप लेग शेप को पहले इस तरह से काट लीजिए और ये किसी भी इसके ऊपर रख के, और देखिए इस तरह से आप ड्रॉ करिए और आराम से आप जिधर से चाहें आप उधर से उसके एंगल से, जिस एंगल से आप बनाना चाहते हैं उस एंगल से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इसी तरह मैंने ये हैंड भी बना के रखा है। सबसे पहले आप हैंड के ऊपर यदि सीखना चाहते हैं तो आप हैंड के ऊपर भी आप इस पर बना सकते हैं। ये हैंड छोटा बड़ा जैसे भी आप चाहें उस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके कोई भी पेजेस ले सकते हैं, रफ़ पेजेस आपके घर में होंगे आप वो ले सकते हैं। और एक तो ये कागज़ के ऊपर आप बना सकते हैं और दूसरा मेथड है आप ये शीट के ऊपर, जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत अच्छा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है बनाना इसको। और आप इसके ऊपर मेहंदी को जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगी ये, और उसके बाद आप मेहंदी को कलेक्ट कर लेंगे किसी भी छोटे से कंटेनर में, आप इसमें मेहंदी को कलेक्ट करके रख सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने मेहंदी अभी बना के रखी है आप लोगों के सामने दिखाई हुई है, ये जब आपकी मेहंदी पूरी तरह से तैयार हो जाए तो आप इसको देखिए, कोई भी नाइफ की हेल्प लेके आप इसको आसानी से इस तरह से देखिए ये बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इसको अच्छे से वाइप कर लें और उसके बाद फिर से दोबारा इसमें मेहंदी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से इसको खोलने के बाद आप इसमें दोबारा मेहंदी को डालें और फिर से ये कीप तैयार हो जाएगी और फिर से आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको रीयूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए, ये पहले मेहंदी आप कलेक्ट कर लें, सारी मेहंदियों को आप अच्छे से लगा लें और इसमें कलेक्ट करके इसको फ्रिज में रख दें, चाहे कहीं भी ऐसी प्लेस पे रख दें आप इसको। उसके बाद इसके बाद निकालने के बाद इसको आप थोड़ा सा फेंट लें, फेंटने के बाद आप इसको फिर से इसी कीप में भर लें और भरने के बाद फिर से यही मेथड अप्लाई करें। तो आप बार बार इसी तरह यूज़ करते रहेंगे, इसको बनाते रहेंगे तो आप डेफिनेटली आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से मेहंदी बना सकते हैं और आपके डिज़ाइन और जो बनाने का तरीका है बहुत ही जल्दी आपको आ जाएगा और आप अच्छे से बना सकेंगे। तो देखिए, ये भी मैंने जो आपको तरीका बताया इसमें भी वो ये भी वही मेथड है कि आप इसमें आराम से बनाइए, आपके पास एक दो जितने भी हैं घर पे आप इस तरह से हैंड को ड्रॉ कर लीजिए। और आप वैसे तो खाली शीट में भी बना सकते हैं, सिंपल शीट में भी आप बना सकते हैं उसको, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी कई साइडों से लगाई जाती है, कोई यहाँ से लगाना शुरू करता है, कोई कॉर्नर से लगाता है, कोई
यहाँ इस वाले कॉर्नर से शुरू करता है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये वाला हैंड दिखाया है कि आप किसी भी साइड से आप शुरू करने का जो तरीका है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ऐसे राउंड बना के शुरू कर सकते हैं इसको। तो आपका जहाँ से आप दिल करे आपका उधर से आप इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इसको कितनी भी बार आप यूज़ कर सकते हैं इसके इस शीट के ऊपर। और यदि वो अच्छा नहीं भी बनता है तो आप उसको फिर से वाइप कर दीजिए और इसमें स्टोर कर लीजिए आप उसमें, और उसके बाद रीयूज़ कर लीजिए इसका। तो एक ही कीप से आप हमेशा के लिए मेहंदी बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो आशा करती हूँ मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपको इसके समझ में नहीं आया हो या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।